chica, yo que la mujer. Y si voy a bandera, ya te va a ganar. Yo no veo a la música, ni la de mi vida. Ahora todo me viene a la mejoría. Enzumanía. मजा आया तो स्वागत है भाई लोग आप सभी का और एक नए वीडियो पर। देखो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा बेस्ट ऑन टेप हेडशॉट ट्रिक के बारे में। शाबाश बेटा। आप लोगों को जो जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ ना जिसको फॉलो करने के बाद आप लोग हर एक ऑन टेप गन से एनिमी को इजिली ऑन टेप हेडशॉट लगा पाओगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में पहली बार आ रहे हो ना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत लाकी है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए भाई बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। वीडियो के एंड में आप लोगों को एक बोनस टिप्स देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। आप लोग ऑन टैप मारना सीख जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप लोगों को इजी ऑन टैप मारना तो सिखाऊंगा, उससे पहले आप लोग ये सब गन से ऑन टैप मारना चाहते हो आप लोगों को क्या क्या गलती या मिस्टेक नहीं करना है ध्यान से देखो। मिस्टेक नंबर वन, आप लोगों के सामने कोई एनिमी है आप लोग गेम सेट ना करके ड्रैग करते हो, इससे आप लोगों का फायर एनिमी के चेस्ट पे जाके चिपकता है, नहीं तो फायर पूरा आसमान में चला जाता है। देखो ऑन टैप के लिए एम बहुत ज्यादा मैटर करता है, आप लोगों को ऑन टैप मारने के लिए एम सेट करना ही पड़ेगा। मिस्टेक नंबर टू, आप लोग ऑन टैप मारने के समय जॉयस्टिक बटन को यूज करते रहते हो, इससे आप लोगों का फायर बहुत ज्यादा रिकॉइल करता है, उसके बाद आपका फायर एनिमी के चेस्ट पे ही जाके चिपकता है। ऑन टैप मारने के समय ये दो मिस्टेक आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो चलो आप लोग ऑन टैप कैसे लगा सकते हो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इजी ऑन टैप मारने के लिए आप लोगों को क्विक वेपन स्विच बटन को ऑन करना है, नहीं तो आप लोग गन बॉक्स पर क्लिक करके गन स्विच कर सकते हो, वो आप लोगों की मर्जी। उसके बाद सेंसिटिविटी सेटिंग में ये जो जनरल एंड रेड डॉट है, ये दो सेटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑन टैप मारने के लिए। जनरल एंड रेड डॉट आप लोगों को हमेशा हाई ही रखना है। और फायर बटन साइज की बात करें, देखो आप लोगों को फायर बटन ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, ज्यादा छोटा नहीं रखना है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा फायर बटन साइज 45 से 55 के बीच में रखना। उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है, आप लोगों को फायर स्विच रन की प्रैक्टिस करना है, जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड पर देख ही पा रहे हो, आप लोगों को पहले फायर करना है, फिर आप लोगों को फर्स्ट क्विक वेपन स्विच बटन नहीं तो गन बॉक्स पर क्लिक करके गन स्विच करना है, फिर रन करना है। ये जो ट्रिक बताया आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप लोगों को इजी ऑन टैप मारने के लिए बेस्ट एम्प्लेसमेंट जानना जरूरी है। मैं आप लोगों को दो तीन बेस्ट एम्प्लेस बताऊंगा, वहाँ पे एम सेट करने के बाद एनिमी को इजिली ऑन टैप लगा पाओगे। नंबर वन, एनिमी के राइट साइड और आपके लेफ्ट साइड में एम सेट करके आप लोग इजीली ऑन टैप लगा सकते हो। नंबर टू, आप लोगों का जो एम है ना एनिमी के पैरों के नीचे व्हाइट रख के इजीली ऑन टैप लगा सकते हो। नंबर थ्री, एनिमी के चेस्ट पे एम सेट करके इजीली ऑन टैप लगा सकते हो। अभी बात करते हैं आप लोगों को ड्रैग कैसे करना है। एनिमी आपके एकदम शॉर्ट रेंज में है, आपको फर्स्ट ड्रैग ट्रिक यूज करना पड़ेगा, फायर बटन को स्पीड से ड्रैग करना पड़ेगा, शॉर्ट रेंज की एनिमी को इजीली ऑन टैप दे पाओगे। और एनिमी आपके मिड रेंज में है, आपको थोड़ा स्लो से ड्रैग करना पड़ेगा। और एनिमी आपके लॉन्ग रेंज में है, आपको स्लो से ड्रैग करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड पर देख ही पा रहे हो, एकदम इजीली ऑन टैप लगा पाओगे, एक भी बुलेट मिस नहीं होगा। बोनस टिप्स, आप लोग जब भी लॉन्ग रेंज में ऑन टैप मारने जाते हो आप लोगों का फायर बहुत मिस होता है, नहीं तो फायर पूरा आसमान में चला जाता है। देखो आप लोगों को एक बार स्कोप ओपन करना है, फिर फर्स्ट स्कोप क्लोज कर देना है, उसके बाद आप लोगों को स्टेट ड्रैग करना है, लॉन्ग रेंज की एनिमी को इजीली ऑन टैप लगा पाओगे। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताया 100% वर्किंग ट्रिक है और मैं खुद यूज करता हूँ, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, ऑन टैप किंग बन जाओगे। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।